जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने की शिकायत के बाद उन्हें सफदरगंज अस्पताल लाया गया। जेल में तबीयत खराब होने से सत्येंद्र जैन का वजन करीब 35 किलो कम हुआ है, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराया है। काफी दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और डॉक्टर्स ने कई बार इसके लिए बोला था, कोर्ट के सामने भी रखा गया था, अभी उसके बाद उनको एडमिट किया गया है। देखिए, जो पूरा जिस तरह से अन्याय, अत्याचार, जिस तरह का पूरा तांडव भाजपा की सरकार और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। अब वो चीजें शायद अब इंतहा हो रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सत्येंद्र जैन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बीजेपी सरकार के इस अहंकार और जुल्म को दिल्ली और देश के लोग अच्छे से देख रहे हैं। भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेगा। इस संघर्ष में जनता हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, हम सरदार भगत सिंह जी के चेले हैं। जुल्म, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। शर्म आनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया जो पूरी दुनिया में आज प्रसिद्ध है, एक ऐसा व्यक्ति जो कोरोना के समय में अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर दिल्ली वालों की सेवा कर रहा था, आप ऐसे आदमी को खुश हो रहे हो, जश्न मना रहे हो, ताली पीट रहे हो, हाँ देखो इसका वजन कम हो गया है, तो ये तो बिल्कुल मरणासन्न हो गया, ये तो बेचारा एकदम ऐसे खड़े भी नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, वक्त है, समय है, हम लोग भी झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। बाकी मोदी जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी, क्रूरता की भी पराकाष्ठा होती है, इतनी क्रूरता मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल, लोगों को ये भी बताओ, जैन हवाला कांड में जेल में बंद है, भ्रष्टाचार किया है, तभी तो एक साल से कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है। अपने आप शहीद दिखाना और खुद को भगत सिंह से तुलना करना, यह दिखाता है कि आपको न्यायालय में विश्वास नहीं है। सत्येंद्र जैन का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, ये प्रार्थना है, लेकिन अपने आप को बेचारा दिखाने से बाज नहीं आओगे केजरीवाल साहब। इससे पहले तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने शिकायत दी थी कि वे उदास और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा था कि वो मनोवैज्ञानिक की मदद लेंगे और अगर जरूरी हुआ तो आम आदमी पार्टी के नेता को आवश्यक इलाज भी मुहैया करवाया जाएगा।